नमस्कार दोस्तों, बिपिन चंद्रपाल, जन्म 7 नवंबर 1858, हबीबगंज जिला, वर्तमान बांग्लादेश। स्वर्गवास 20 मई 1932, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक। बिपिन चंद्रपाल एक भारतीय क्रांतिकारी, शिक्षक, पत्रकार व लेखक थे। पाल उन महान विभूतियों में शामिल है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे मशहूर लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल टिकड़ी का हिस्सा थे। इस टिकड़ी ने अपने तीखे प्रहार से अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी। बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ एक शिक्षक, पत्रकार, लेखक व बेहतरीन वक्ता भी थे। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन बड़ा योगदान दिया, जिसे बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला। लाल बाल पाल की इस टिकड़ी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों का काम भी छीन रहा है। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर पाल ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर को मिली में बने कपड़े से परहेज तथा औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि हथियारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती सालों में गरम दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आम जनता में जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है, बल्कि स्वराज के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा। इसी कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार रहा। बिपिन चंद्रपाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में, जो कि अब बांग्लादेश में है, पोइल नामक गांव में एक संपन्न घर में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक पारसी विद्वान और छोटे जमींदार थे। उन्होंने चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज, अब सेंट पॉल्स कैथेड्रल मिशन कॉलेज में अध्ययन किया और बाद में पढ़ाया भी। ये कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। बहुत छोटी आयु में ही बिपिन ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे और समाज के अन्य सदस्यों की भांति भी वे भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाया और अपने से ऊंची जाति वाले विधवा से विवाह किया, जिसके पश्चात उन्हें अपने परिवार से नाता तोड़ना पड़ा। पाल धुन के पक्के थे, इसीलिए पारिवारिक और सामाजिक दबावों के बावजूद कोई समझौता नहीं किया। दोस्तों, अभी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में। सन 1886 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सन 1887 में कांग्रेस के मद्रास सत्र में उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किए गए
शास्त्र अधिनियम तत्काल हटाने की मांग की, क्योंकि ये अधिनियम भेदभावपूर्ण था। वे मशहूर लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल टिकरी का हिस्सा थे। इन तीनों ने क्रांतिकारी भावनाओं को हवा दी और खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। पाल और अरविंद घोष ने एक ऐसी राष्ट्रवाद का प्रवर्तन किया जिसके आदर्श थे पूर्ण स्वराज, स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। बिपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, उनका मानना था कि ऐसा करने से गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी। अंग्रेजी हुकूमत में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और उनका मानना था कि विनती और असहयोग जैसे हथियारों से विदेशी ताकत को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी कारण गांधी जी के साथ उनका वैचारिक मतभेद था। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में वे कांग्रेस से अलग हो गए। फिर पाल ने क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम की स्थापना भी की। तिलक की गिरफ्तारी और स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडियन हाउस, जिसकी स्थापना सामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, उससे जुड़ गए और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब क्रांतिकारी मदनलाल टिंगड़ा ने सन 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी, तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और लंदन में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस घटना के बाद बिपिन चंद्र पाल ने अपने आप को उग्र विचारधारा से अलग कर लिया। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में उन्होंने अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की सजा हुई। उन्होंने कई मौके पर महात्मा गांधी जैसे नेताओं की आलोचना भी की और उनके विचारों का विरोध भी किया। सन 1921 में गांधी जी को आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, आपके विचार तार्किक नहीं बल्कि जादू पर आधारित है। दोस्तों, उनके किए गए कुछ रचनाएं और कुछ संपादन इस प्रकार हैं। क्रांतिकारी के साथ साथ बिपिन एक कुशल लेखक और संपादक भी थे। उन्होंने कई रचनाएं भी की और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, और उनके कुछ संपादन में से उन्होंने लेखक और पत्रकार के रूप में बहुत समय तक कार्य किया। परिदर्शक 1880, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882, लाहौर ट्रिब्यून 1887, द न्यू इंडिया 1892, द इंडिपेंडेंट इंडिया 1901, वंदे मातरम 1906-97, स्वराज 1908-1911, द हिंदू रिव्यू 1913, द डेमोक्रेट 1919-1920, बंगाली 1924-25। दोस्तों, 20 मई 1932 को इस महान क्रांतिकारी का कोलकाता में
निधन हो गया। वे लगभग 1922 के आसपास राजनीति से अलग हो गए थे और अपनी मृत्यु तक अलग ही रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।